क्या थी सर, मतलब क्या समस्या थी आपको? सर हमें क्या हुआ, दिसंबर 15 में पारा एकदम पूरा लठ जैसे हो गया था। अच्छा सर, तो 11 दिन होश नहीं आया था। ये 11 दिन आपको मतलब आप बेड में थे? बेड में थे, कौन आया कौन चला गया मुझे कुछ नहीं। आप आदमी को नहीं पहचानते थे सर? कुछ नहीं। कितना पैसे एक्सपेंस हुआ होगा सर आपके पैरालिसिस में इसमें? ये 5 साल में सर 15 से 20 लाख के लमसम में खर्चा हमें किया। एक हफ्ते में हम साइकिल चलाने लगे सर, और अपने से पैंट वेंट जूता उता सब बांध लेते हैं, पहन लेते हैं। क्या इससे पहले नहीं बांध पाते थे सर आप? हाथों ऐसे ऐसे कपड़ा रहता था सर, पहले औंठा ऐसे रहता था, हटते नहीं, ताली बजाते नहीं बांधता था। अच्छा, अब बनने लगा सर? अब बनने लगा। पहले क्या होता, ये ऐसे रहता था जी सर, ये ऐसे कपड़ा था ऐसे। अच्छा, मतलब आपको आराम लग रहा है? आपको आपको क्या लग रहा है कि आराम हुआ इस दवा खाने से? लग रहा है कि हम 100 के लगभग हो गए हैं। अच्छा, आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम अब ठीक हो गए हैं? गिलास उठा सकते हैं क्या आज के डेट में सर? सर खेव आराम से सर, कोई दिक्कत नहीं होती गिलास विलास उठाने में। अच्छा, मैं वहाँ से आया तो गोली दवा खाया जो, पर उठ बैठ नहीं पाता था। मतलब अपने से आप दवा खा भी रहे थे, उठ नहीं पा रहे थे और बैठ भी नहीं पा रहे थे आपको? मतलब उठाने के लिए कोई घर के लोग रहते थे आपके? अच्छा सर, उठा बैठा जी। फिर उसके बाद मैं नागपुर गया, 2-2.5 साल गया। मतलब नागपुर, मतलब इलाहाबाद से भी आप करके आप महाराष्ट्र में नागपुर दवा के लिए गए सर? बोकार्ड हॉस्पिटल में गए। कौन से हॉस्पिटल सर? बोकार्ड। बोकार्ड हॉस्पिटल, वहाँ केतन चतुर्वेदी हैं। अच्छा, डॉक्टर केतन चतुर्वेदी सर थे? हाँ। ट्रीटमेंट लिए 2.5 साल, कोई आराम नहीं। अच्छा, फिर मैं परेशान हो गया हमारे भैया। अच्छा, कितना इसमें सर आप रीवा संजय गांधी से आप इलाहाबाद प्रयागराज गए, इसके बाद आप नागपुर गए, आपका टोटल कितना पैसे एक्सपेंस हुआ होगा सर आपके पैरालिसिस में इसमें? ये 5 साल में सर 15 से 20 लाख के लमसम में खर्चा हमें किया। नहीं मतलब करेक्ट, मतलब आप करेक्ट अमाउंट बताइए सर, कितना आपने अपने अकाउंट से कितना दिया, कितना आपने मतलब बनाया था, कितना आपका एक्सपेंस हुआ, इतना दवा में आप दवा करवाए हैं तो सर? 15 लाख रुपए लगा सर। अच्छा, इसके बाद सर आपको आराम मिल रहा था उस दवा से कि नहीं मिल रहा था सर? क्या कैसे लगा था? मेरी दवा में कोई आराम नहीं मिला, कुछ भी बिल्कुल नहीं मिला। आपने 15 लाख का दवा कराया सर, आपको आराम मिले नहीं? फिर धीरे धीरे बैठना चालू किए थे। अच्छा सर, फिर एक्सरसाइज करवाए थे डॉक्टर सौसर सिंह से जी, फिर वो परेशान होके बोले कि अब आपको जो ठीक होना है ठीक हो गए हैं जी सर, तब आप फालतू पैसा न खराब कर दिए। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि मतलब आप पैसा फालतू में ना व्यर्थ करिए, आप इतना जितना है उतना ही रहेंगे, ऐसा बोल दिया उन्होंने? अच्छा सर, फिर हमारे भाई साहब आए फौज से। अच्छा, कहाँ थे भैया साहब? कहाँ थे? आर्मी में सर्विस करते हैं? हाँ, बीएसएफ। अच्छा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सर्व करते हैं सर्विस। हाँ, उन्होंने क्या किया? वो आए देखे तो बोले कि आयुर्वेदिक दवा दीजिए आप कुछ दिन। अच्छा, तो आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो हमने उन्हीं से कहा कि मंगवा दीजिए जी सर, जिससे हो जैसे। आयुर्वेदिक दवा कौन सी कंपनी की थी सर आपकी? एसलीपीएस बिलनेस की खा रहे थे, किसकी खा रहे थे? हाँ, इसी। अच्छा, एसलीपीएस बिलनेस की। हाँ। अच्छा सर, तो फिर क्या, कितने दिन आपने खाया सर, कौन कौन सी दवा आपने खाया सर? कार्डियोडाल? हाँ सर, कार्डियो नोनी एक थी सर जी सर, वो फल जूस वूस किसी। अच्छा, अच्छा, नोनी हो गया, और क्या था सर? थंडर ब्लास्ट था, और थोड़ा था सर। हाँ, और पंच तुलसी भी दिया था, पानी पीने के लिए। अच्छा, मतलब वो आर्मी वाले जो आपके भैया थे वाटर सिक्योरिटी फोर्स वाले, उन्होंने आपको एडवाइस दिया था कि सर आप ये लीजिए, तो कितने दिन आपने उसको रेगुलेटरी में कैसे खाया सर, उसको कैसा खाया आपने? सुबह शाम जी सर, और दोपहर में। अच्छा सर, खाना खाने के 40 मिनट बाद से चालू करता था जी सर, एक दवा से दूसरी दवा की गैप 40 मिनट की होती। अच्छा, 40 मिनट उसको डिस्टेंस देते थे आप एक दवा से दूसरी दवा को? दवा को कैसे खाते थे सर, मतलब गर्म पानी से? अच्छा, गर्म पानी से, हॉट वाटर से? हाँ। अच्छा सर, माने जितना पिया जा सके। अच्छा सर, लिए एक हफ्ते में हम साइकिल चलाने लगे सर, और अपने से पैंट वेंट जूता वूता सब बांध लेते हैं, पहन लेते हैं। क्या इससे पहले नहीं बांध पाते थे सर आप? हाथों का ऐसे ऐसे कपड़ा रहता था सर। अच्छा, आज के डेट में क्या है सर? आज के डेट में सर यही थोड़ा उंगली कपटी है, बीच वाली को। अच्छा, ये मध्यमा, ये वाली बीच वाली आपकी उंगली? ये नहीं कपटी, ये और ये सर। अच्छा, कपटी थी ये अब कपटी है बहुत बारीकी से देखने में। अच्छा अच्छा, मतलब पहले औंठा ऐसे रहता था, हटते नहीं, ताली बजाते नहीं बजता था। अच्छा, अब बनने लगा सर? अब बनने लगा। पहले क्या होता, ये ऐसे रहता था जी सर, ये ऐसे कपटा था।
अच्छा, मतलब आपको आराम लग रहा है, आपको आपको क्या लग रहा है कि आराम हुआ इस दवा खाने से? लग रहा है कि हम 100 के लगभग हो गए हैं। अच्छा, आप अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम अब ठीक हो गए हैं, अपना स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट हो गए काम करने के लिए। अच्छा, अपना काम आप खुद कर सकते हैं? आप कपड़ा पहन ले, नहा धो लिए, तेल और लगा लिए, बढ़िया क्रीम पाउडर जो भी। अच्छा, अब सब कर लेते हैं। सेविंग कर लेते हैं। अच्छा, पहले नहीं करते बनता था आपसे? सर हाथ हो कटता था ना। अच्छा, नहीं बनता था। अच्छा सर, अब सर ठीक हो गए भैया हमारे, बहुत अच्छे से दवा कराए। अच्छा, तो सर बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा सर। ऐसे हमारे भारत देश में जो आज ऐसे परेशान लोग हैं, तो सर मैं आपसे आशा करता हूँ कि जरूर आप जरूर लोगों को बताएं कि भैया मैं ऐसी जगह से इस एसलीपीएस वेलनेस संस्था की जो प्रोडक्ट थे इसके आयुर्वेद के, मैंने इनके रस को यूज किया और काफी अच्छा रिजल्ट रहा मेरा सर, है ना सर? अब आप गिलास उठा सकते हैं क्या आज के डेट में सर? सर खेव आराम से सर, कोई दिक्कत नहीं होती गिलास गिलास उठाने में। ओके, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, और कोई दिक्कत नहीं होती सर। अच्छा सर, चल फिर लेता हूँ पैदल काफी सर। अच्छा, इससे पहले नहीं चल पाते थे आप? गिर जाते थे, मतलब सहारा लेना पड़ता था आपको सर किसी का? अभी सहारा लेने की जरूरत? छड़ी उड़ी उधर। अच्छा, ऐसा था पहले, अब लेने की जरूरत नहीं है सर। चलिए सर, बहुत बढ़िया।